हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं प्रेफर करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करती है, जिनमें से एग्जाम्पल के तौर पर इन तीन सिस्टम को ले लेते हैं, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम एंड कॉन्फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम होता है जिसमें पावर को सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं एंड कुछ पावर सेंटर के पास होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिसाइड करने के लिए दोनों के पास पावर होती हैं, जैसे सेटिंग स्मोक और ड्रिंकिंग एज लिमिट एटसेट्रा। मतलब अल्टीमेटली अथॉरिटी एंड कंट्रोल में दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। वहीं यूनिटरी सिस्टम में बिल्कुल उल्टा होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो पूरी कंट्री में लागू होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना। एंड कॉन्फेडरल सिस्टम होता है जिसमें कुछ वीक और लूज स्टेट्स अपनी इच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करती है, और जो स्टेट अपने आप में स्ट्रांग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब इसमें स्टेट्स एंड लोगों के पास चॉइस होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहें या ना करना चाहें। इसका एग्जांपल है सोवियत यूनियन। तो इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है जिसमें दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को तीन मेन सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इंडियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। इंडिया में बायकैमरियल पार्लियामेंट है। बायकैमरियल पार्लियामेंट होती है जिसमें पार्लियामेंट को दो हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसे हम राज्यसभा एंड लोकसभा भी कहते हैं। लोकसभा होती है काउंसिल ऑफ पीपल, यानी लोकसभा के मेंबर्स देश के आम लोगों को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें पूरे देश में वोटर्स वोट करके सिलेक्ट करते हैं। एंड राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी सभा जिसमें इसके मेंबर्स अलग अलग राज्यों यानी स्टेट्स को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें स्टेट की लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के मेंबर्स MLAs वोट करके इलेक्ट करते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, सेंटर में स्टेट्स एंड आम जनता दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने वालों को हम कहते हैं MP यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। रिप्रेजेंट करते हैं मतलब जब भी सेशंस होते हैं तो ये अलग अलग MPs अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को उधर डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना और उसको सॉल्व करने के लिए लॉज या पॉलिसीज बनाना। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉज पार्लियामेंट में बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, यानी उन पर एक्शन लेना। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमारे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सारे मिनिस्टर्स, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एटसेट्रा। इन सारे मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों को MPs में से ही बनाया जाता है, ताकि वो लेजिस्लेचर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकें, और जो भी एक्शंस वो लेते हैं उस पर उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में जवाब देना पड़ता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पोजीशन परमानेंट नहीं होती, अगर सरकार बदलती है तो उसके साथ इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, जैसे IAS, IPS, IFS, डायरेक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार एटसेट्रा। वो सब लोग जो हमें गवर्नमेंटल ऑफिसेज में देखने को मिलते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। इनकी जॉब परमानेंट होती है और इनका भी काम होता है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं, ये इन एग्जीक्यूटिव के अकाउंट को ऑडिट यानी चेक करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज और फ्रॉड्स को रिपोर्ट करते हैं। थर्ड है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी में हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना, और जो बाकी पब्लिक से रिलेटेड मैटर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर जजमेंट करना। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे सेंटर में एग्जीक्यूटिव PM एंड प्रेजिडेंट एटसेट्रा होते हैं, लेकिन स्टेट में एग्जीक्यूटिव होते हैं CM, गवर्नर एटसेट्रा। स्टेट लेजिस्लेचर को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की पावर होती है जो पार्लियामेंट नहीं बना सकती, जैसे पुलिस, प्रिजंस, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा। जैसे सेंट्रल में दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वैसे ही स्टेट में भी दो हाउसेज होते हैं, जिसमें लोअर हाउस को हम कहते हैं विधानसभा एंड अपर हाउस को हम कहते हैं विधान परिषद। विधानसभा के पावर एंड फंक्शंस लोकसभा की तरह होते हैं एंड विधान परिषद के पावर एंड फंक्शंस राज्यसभा की तरह होते हैं। विधानसभा के मेंबर्स को कहते हैं MLA
यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये MLAs पब्लिक द्वारा डायरेक्ट वोटिंग से चुने जाते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके एरिया की पब्लिक की प्रॉब्लम्स को वो देखें और उसके लिए नेसेसरी एक्शंस लें। विधान परिषद के मेंबर्स को कहते हैं MLC यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLCs राज्यसभा की तरह इनडायरेक्टली MLAs एंड लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रूलिंग पार्टी के MLAs बिल प्रपोज करते हैं और MLCs के द्वारा उनको रिव्यू किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज के स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे स्टेट में खुद की सेपरेट गवर्नमेंट होती है वैसे यूनियन टेरिटरीज की खुद की गवर्नमेंट नहीं होती। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इंडिया में टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। दिल्ली एंड पुडुचेरी को पार्शियल स्टेट कंसिडर किया जाता है। पार्शियल मतलब कुछ फंक्शंस इनके जो एक नॉर्मल स्टेट के स्ट्रक्चर में होते हैं वो हमें इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होती है जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। फिर भी इन टेरिटरीज का कुछ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा। बाकी बची यूनियन टेरिटरीज में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IAS ऑफिसर या MP को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसे एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।